हेलो एवरीवन, इसमें हम बनाएंगे टॉप व्यू ब्लो ऑफ कोक का। फ्रंट व्यू की मैं वीडियो डाल चुका हूँ। टॉप व्यू स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू में सबसे पहले बनाते हैं ये स्केयर शेप कितने की है, 2 to 1, 2 to 8 की। तो हमने हाफ स्केल में बनाया तो हाफ कितना आ जाएगा, 1 1 4 का। क्लियर है? तो सेंटर पहले ढूंढ लेते हैं हम, 11.4। क्लियर है? कितना है, 11.4 का कितना बनता है, हाफ हाफ कितना बनता है 11.4 का, 57। ये सेंटर लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आ गई डायग्राम की। क्लियर है? अब इस साइड पे भी कितना लेना, 57.5। इस साइड पे 57.5 उस साइड पे। क्लियर है? इलेवन पॉइंट फोर इस साइड पे। क्लियर है? इसी तरह सेम 11 पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देना। कॉर्नर थोड़ा सा आप कर्व कर सकते हैं, फ्री हैंड भी कर। क्लियर? स्केयर बन गया। अब क्या बनाना हमने, ये चीजल वाला पॉइंट कोक का कितने का था, स्केयर 44 बाय 44 मतलब 22 हो गया, 11 ऊपर 11 नीचे। क्लियर है? ये बन गया। फिर हमने लगाने ये सर्कल ऊपर, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा, ये वाला। क्लियर? इसके सर्कल चेक कर लो। सबसे पहले छोटा सर्कल वो कितने का, 75 का दिखाई देगा। फिर उसके बाद एक डॉटेड सर्कल है वो बड़े वाला, वो कितने का, 88। जो डॉटेड है वो है 88, हाफ कितना आएगा, 44। कंपास कितने की खोलनी है, 22 की। क्लियर है? उसके बाद छोटा सर्कल एक डार्क, वो 75 का हाफ होता है 37.5, उसका हाफ कितना आ जाएगा, 18, नियर अबाउट 18। क्लियर है? ये आ गया आपका दूसरे वाला सर्कल। अब क्या लगाना है, ये वाला सर्कल, ये कितने का आपका, कितने का, 1 वाला सर्कल किसके पैरेलल आ रहा है आपका, हम मेजर कर लेते हैं स्केल से किसके पैरेलल है ये। बड़े वाले पोर्शन के, मतलब इस पोर्शन के ये पैरेलल, ये कितने का बाहर से, ये 126 मतलब 61 मतलब 30.5। कंपास खोलनी हमने 30.5 की। क्लियर है?
ये कौन सा सर्कल लगाया हमने, ये वाला। उसके बाद एक और सर्कल लगना है बड़े वाला, ये किसका है, ये ब्लो ऑफ कोक का, सॉरी कवर का, कवर पार्ट का ये सर्कल है। क्लियर है, इसका डायमीटर कितना है वो हम यहाँ से इसको मेज़र कर सकते हैं, किसका डायमीटर बन रहा है ये हमारा। ये हमारा डायमीटर है 126 से ज़्यादा वाला कितने का, 180। क्लियर है, कितना हो गया 180 का, सबसे बड़ा जो आपका सर्कल का डायमीटर हमने ये बनाना ना, ये बना लिया। अब इसको टच कराते हैं, फिर ये बनाएंगे। ये टच सबसे पहले यहाँ पे हमको ये इसका कर्व्ड रेडियस चाहिए, कितना है 24, हाफ कितना हो जाएगा 12 की कंपास खोल के क्या करना है, सेंटर लाइन चाहिए। उसकी सेंटर लाइन कितनी है, कितनी है, ये जो होल हुए हैं कौन से है, ये बोल्ट के, कितना है इसका 180, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 180, मतलब हाफ 90, 45 इस साइड पे, दूसरी साइड ये सेंटर आ गया। यहाँ से कंपास खोलनी है 12, क्लियर, ये आ गई। इसी तरह इस साइड पे भी क्लियर है। अब इनको जोड़ देना इस पॉइंट को, इससे जोड़ देना, इसी तरह इस पॉइंट को इससे जोड़ देना। क्लियर है, ये पोर्शन बन गया हमारा। अब बड़े वाला सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, यहाँ तो कोई और सर्कल नहीं, इट मीन्स ये जो डायमीटर है बड़े वाला इसमें से है। इसमें हमने 126 वाला लगा लिया, नेक्स्ट है जो बड़ा वो 156 का, मतलब कितना हो गया हाफ 156 का हाफ हो जाएगा आपका 78 का हाफ कितना हो जाएगा 39 इस साइड पे, मतलब 39 की हमने कंपास खोलनी। क्लियर, ये हो गया। अब रह गया ये बार वाला पोर्शन, इसकी प्रोजेक्शन ऊपर से ही ले लेनी, मैंने ऊपर से ही प्रोजेक्शन ले ली। यहाँ पे बनना एक, यहाँ पे बनना, क्लियर है। साइज़ हमें गिवन है, कितना इसका साइज़ है, जितना ऊपर है 200, मतलब 100 सेंटर लाइन से, सेंटर से 50 ऊपर 50 नीचे। क्लियर है, लेंथ कितनी है 22 है, मतलब 11। क्लियर है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी। इलेवन दोनों साइड पे। क्लियर है, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो उसके बाद क्या रह गया हमारा, इन दोनों को ज्वाइन करना। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, अब लगाने हमने ये टॉप से जो स्टड है वो कैसे दिखेंगे। क्लियर है, अब पहले 170 पे ये है, इधर से 170, मतलब 170 का हाफ है वो बनता है 85। क्लियर है, तो क्या करना है आपने, 85 का, तो क्या करना आप, 170 का हाफ कितना बनता है 85, 85 का हाफ बनता है अपना 42.5 इस साइड पे, 42.5 इस साइड पे, टोटल 85 ये सेंटर पॉइंट आ जाएंगे।
यहाँ से भी सेंटर से 85 का डिस्टेंस है, ये भी 85, तो आपस में स्ट्राइक करेंगे। ये तो ऑलरेडी 45 लगा हुआ है, ये आपका कितना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 180 हमें गिवन है, तो हाफ हो गया 90, मतलब 45 इस साइड पे, 45 इस साइड पे, क्लियर है। तो ये सर्कल कितने का लगाना है, वो जितना डायमीटर इसका होता है, कितना डायमीटर है, कितना गिवन है, 520, तो जनरली हो गया 10, क्लियर है। जो सर्कल लगाते हैं वो लगाते हैं 1.5 इंटू डी, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर 10, मतलब कितने का लगाना है, 15, क्लियर है। तो 15 का डायमीटर हो गया, रेडियस होएगा 7.5 के सर्कल लगा लेने, क्योंकि चारों का डायमीटर सेम ही 20 है, क्लियर। अब लगाना है इसके ऊपर हेक्सागनल, क्योंकि हेक्सागन है तो हेक्सागनल बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसको कर्व कर लिया ऊपर से स्ट्रेट, हेक्सागनल एंगल कितना होता है अपना 60 और join कर रहा हूं इनको। ये हो गया, तो इनको join कर देना, ये hexagonal बन जाएगा। आप मैंने थोड़ा सा ये सर्कल फ्री हैंड लगाया था, क्योंकि मेरे पास सर्कल मास्टर नहीं है, 7 का सर्कल लगा, मतलब 0.7 का। आप एग्जैक्ट लगाएं तो आपसे ज़्यादा साफ बनेगा। अंदर जो डायमीटर होता है वो जितना गिवन होता है, 20 है मतलब 10 का 5 का अंदर वाला, ये वाला आपका है 7.5 का अंदर वाला जो है 5 का रेडियस, मतलब डायमीटर 10, वो मैं फ्री हैंड लगा रहा हूँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सर, टॉप व्यू, क्लियर है।